हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि शिक्षण कला के बारे में। देखिये, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या सर कंप्यूटर साइंस में शिक्षण कला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बहुत लोग बोल रहे हैं पढ़ना है, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बुक में शिक्षण कला क्वेश्चन है, बहुत में नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 2011 जो एग्जाम हुआ था 11 का, इसमें अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन अपना आता है, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि किसी को भी ये पता नहीं है कि कॉन्फॉर्म सिलेबस क्या है। और ये जो अपना टॉपिक है ना शिक्षण कला, मतलब छोटा सा टॉपिक है और ये एक समझने वाला चीज है, पूरा पेडागोजी है, ठीक है? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि अगर आपको मैं बोल दूं कि ये नहीं आएगा, मैं अभी तक यही बोल रहा हूं कि ये नहीं आएगा, ठीक है? अगर बाय चांस आता है तो हम क्यों ना उसका एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में लेकर चले। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा बस एक ही मोटिव है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप इस चैनल पर आए हैं, तो ऐसा आपके एग्जाम के टाइम में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं आए जो आप बोलिए कि सर हमको नहीं पता है। अगर मान लीजिए शिक्षण कला से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको एक बेसिक आइडिया होगा और आपको 10 से 12 नंबर उससे आ जाए जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। आधा घंटा अगर ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो कोई खराबी कर देगा? कोई खराबी नहीं ना करेगा। बस एक बार देख लीजिए कि इसका बेसिक होता क्या है, ठीक है? और माइंड में ये मत लाइए कि सर ये ऐसा है, सर वो ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। जितना कुछ है उसका बेसिक आइडिया रखिए। आफ्टरऑल अरे हम लोग इंजीनियर हैं, तो आधे घंटे से कुछ नहीं। पेपर के एक दिन पहले हम लोग पूरा पूरा बुक पढ़ के जाते थे एग्जाम देने। सभी लोग अपने अपने बीटेक लाइफ में ऐसा किया ही हुईगा। बस आधा घंटा देखना है। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया, अगर किसी पॉइंट को आप लोग ज्यादा जानना चाह रहे हैं, तो गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। तो बस एक बेसिक आइडिया जानते हैं कि करना क्या होता है। अगर इसमें क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करें, इसको हम लोग जान लेते हैं। बस माइंड में यह मत लाइए कि सर ये नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नहीं आएगा तो क्या होगा। ऐसा क्योरी मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है। बस मैं उन्हीं के लिए बात बोल रहा हूं कि अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वीडियो देख लीजिए। बाद बाकी आपकी अपनी मर्जी। तो देखिए, अपना क्या था पॉइंट, शिक्षण कला। ये समझिए कि शिक्षण कला 5 पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इस 5 पॉइंट को अगर आप समझ लिए, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आता है, तो उसका आप 60% 70% जरूर बना लीजिएगा। क्योंकि इसमें ना ही कोई कैलकुलेशन है, ना ही कोई इसकी परिभाषा है, और ना ही कोई इसमें किसी का दिया हुआ कोई विधि या कुछ लगता है, ठीक है? बस कुछ बातें हैं जो एक जनरल हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बस उसको सोचेंगे और अटेम्प्ट कर लेंगे। मेरा पहला पॉइंट है चरित्र। एक शिक्षक का चरित्र कैसा होता है, इस चीज को सोचने के लिए आप जो भी बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने पढ़ाई को अपने दिमाग में लाइए। आपके साथ किसी एक टीचर का व्यवहार इतना अच्छा रहा होगा जिससे आप आज भी बोलते हुए अरे वो सर काफी अच्छे थे, तो उनके अंदर आपको क्या क्या अच्छाइयां लग रही थी, बस वही एक शिक्षक का चरित्र होता है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या अपने कॉलेज लाइफ में, बहुत सारे टीचर होते हैं बट सारे टीचर हमें अच्छे नहीं लगते हैं। कोई एक ऐसा टीचर होता है जिनके क्लास में आने का हम लोग वेट करते रहते हैं, उन सर का हम लोग क्लास बंक नहीं करते हैं। वो सर आते हैं तो लगता है कि आज जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एक टीचर का जो बेस्ट पर्सनालिटी होता है, बस वो इसके अंदर में होता है। और इसी से क्वेश्चन आएगा कि अगर आप किसी विद्यालय में कक्षा में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो संपूर्ण मतलब ये होल क्लास को आप किस तरह मोटिवेट कीजिएगा कि वो आपकी सारी बातों को समझे। और 4 ऑप्शन होगा, ठीक है? और उस ऑप्शन में जो भी पॉजिटिव चीज है वही उसका राइट आंसर होगा। इस शिक्षण कला में बच्चों के खिलाफ आपको जाना ही नहीं है, आपके बच्चों के लिए कोई भी निगेटिव बात बोलनी ही नहीं है, बस पॉजिटिव ही उनके बारे में सोचना है कि आप अपना कितना उनको दे सकते हैं और किस वे में दे सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन होता है, बस उसको आपको सोचना है। और उसका और सोचना कैसे है, तो अपने लाइफ पे लेके सोचना है, अपने आप को लेके सोचना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कैसा टीचर चाहिए, बस आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है? दूसरा है अपना समाजीकरण। आपके क्लास में हर वर्ग के बच्चे होंगे, जनरल के होंगे, ओबीसी के होंगे, ईबीसी के होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे, तो आपको अपने वर्ग में या फिर वर्ग के बाहर, मतलब कि विद्यालय के बाहर, जो अगर आप कहीं पर शिक्षक हैं, तो आपका चरित्र बस एक विद्यालय के लिए नहीं है, आपका पर्सनालिटी बस विद्यालय के लिए नहीं है। संपूर्ण आप जहां वहां आस पास में रह रहे हैं, सारा एनवायरमेंट आपके चरित्र को देख रहा है, आप एक शिक्षक
की पर्सनालिटी, उसकी गरिमा को हर लोग देखते रहते हैं। तो समाजीकरण में आप किस तरह से, मतलब कि हर एक वर्ग को कैसे लेके चल रहे हैं? कोई आपके विद्यालय, आपके क्लास में कोई कमजोर बच्चा है तो उसको आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए? तो वो सारा क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो काफी मंद बुद्धि, मतलब कि वो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? और चार ऑप्शन होगा, अलग से एक आप उसको अलग से टाइम दीजिएगा, उसको मोटिवेट कीजिएगा पढ़ने के लिए, या फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा, या उससे कुछ नहीं कीजिएगा। तो आप उसको क्या कीजिएगा कि आप उसको मोटिवेट कीजिएगा पढ़ाई के लिए, उसको कुछ अपना टाइम देकर कुछ समझा कर उसको एक, मतलब उसके अंदर एक लगन पैदा कीजिएगा, एक ललक पैदा कीजिएगा कि नहीं मुझे भी पढ़ना है। तो ये होता है समाजीकरण, मतलब समाजीकरण में आपको हर लोग को लेकर चलना है। इसके बाद आता है अपना लिंग। लिंग में क्या आ गया कि आपके क्लास में 11th 12th में लड़का और लड़की दोनों पढ़ेगा, ठीक है? तो आप लड़के को होता है क्या कि कोई है, जैसे कि हम लोग टीचर हैं जेंट्स, हम लोग मान लीजिए कि लड़के हैं, ठीक है, मेल में, तो जो अपने क्लास में जाते हैं तो ज्यादातर फोकस मेल कैंडिडेट पे किए रहते हैं, ठीक है? उनसे बात करना या फिर इजली उनको कुछ भी बोल देना, उसमें कुछ झिझक नहीं आता है। बट आपको अपने क्लास में दोनों को, मेल को और फीमेल को, दोनों को एक साथ लेके चलना है, और क्लास में एक ऐसा एनवायरमेंट भी तैयार करना है ताकि क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट भी अपने आस पास में या लड़का और लड़की में कुछ ऐसा नहीं, मतलब झिझक नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट खड़े हो, डायरेक्ट कुछ दिए, आप एक टीचर हैं, आप भी कोई प्रॉब्लम हो क्या, किसी तरह सोल्यूशन हो, या फिर लड़की लोगों को मोटिवेट करना या फिर लड़का को मोटिवेट करना, मतलब कि उनके अंदर से मतलब कि लिंग के ऊपर का जो भी, मतलब कि लड़का और लड़की के बीच का जो भी भेदभाव है उसको हटाकर एक सामान्य रूप में, एक जनरल रूप में क्लास को स्टार्ट करना, पढ़ाना, ताकि उसमें हर एक बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं ये क्लास में सभी लोग जनरल है, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपना मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी बच्चे को आपको मूल्यांकन करना है कि बच्चा पढ़ने में तेज है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या क्या कीजिएगा। चार ऑप्शन होगा, उसका हम एग्जाम लेंगे, उससे हम मौखिक, मतलब खड़ा करवा के उससे हम पूछ लेंगे, तो इस तरह का मूल्यांकन होगा। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपको लगे। अब किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बच्चा आपको रोज आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो आपका मूल्यांकन तो वहीं पे हो गया। या फिर हम कभी कभी एग्जाम लेकर मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करने की बहुत सारी विधि होती है, बट बेस्ट उसमें आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और उसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और फिर वहां से आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो एक बच्चे को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट हो, क्लियर है? उसके बाद है अपना पाठचर्या की रूपरेखा या शिक्षा नीति। तो देखिए, शिक्षा नीति 2005 का हो गया या फिर 98 का हो गया, इस तरह शिक्षा नीति आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? और इस पांचों पॉइंट के अलावा आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोचना है कि हम खुद स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के नजरिए से आपको सोचकर इसके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर एग्जाम में आता है शिक्षण कला से क्वेश्चन, तो आपको इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ये मैं कन्फर्म हूं कि इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आता है तो आप इतना जान जाइए, इतना को समझिए और एक बच्चे की तरह सोचकर उसका जवाब दीजिएगा, गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्लियर है? और इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या सर शिक्षण कला आएगा, ये तो है नहीं, नोटिफिकेशन में है नहीं, अगर आता है तो आप क्या कीजिएगा, तो जो भी लोग मेरी बात को समझ रहे हैं या मेरे साथ में है, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आता है तो हमें वहां से नंबर लाना है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बादल के अपना 50 नंबर का अपना चल ही रहा है। और इसके बाद जो आपको मैं दूंगा, सो 150 क्वेश्चन का एक एनसीईआरटी बेस्ड, आधा मैं बना चुका हूं, आधा बाकी है, हाफ बन गया है, हाफ बाकी है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा ये सेट, मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद मैं आपको सेट नहीं दे पाऊंगा, तो ये सेट मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप बनाइएगा और अपना नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, वीडियो के लास्ट में धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।